नमस्कार फ्रेंड्स, हरीश बाली ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। इस समय मैं आत्रेपुरम में हूँ। राजमंड्री से हमें यहाँ पहुँचने में लगभग 40 मिनट का टाइम लगा है। आत्रेपुरम हम क्यों आए हैं? हम आए हैं यहाँ पर पुत्र कुल्लू खाने भी और देखने भी। पुत्र कुल्लू बनता कैसे है? आज से 5 साल पहले मैं हैदराबाद गया था। 5 साल, हाँ आई थिंक 5 या 4.5 साल हो गए हैं। तब मैंने पहली बार पुत्र कुल्लू खाया था। मेरे को तब से आत्रेपुरम याद था, मेरे मन में था मैं दोबारा जाऊँगा। यहाँ पर पहुँचे हुए हमें 20-25 मिनट हो गए हैं। पहले तो हमने क्या किया, आत्रेपुरम ऐसे घूमे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि पुत्र कुल्लू हम कहाँ पे खाएंगे। आमतौर पे ना बिहाइंड द सीन होता ऐसा ही है, जो वीडियो में देखने को नहीं मिलता। वीडियो तो ऐसे स्टार्ट कर देते हैं कि हम इस दुकान में आ गए हैं, हम ये खा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की एक्टिविटी कैसे होती है। एक जगह पहुँच कर एक मिनट वेट करते हैं, ये निकल जाए, ये भी बिहाइंड द सीन है। कट कर देते हैं, फिर दोबारा वही डायलॉग बोल देते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो आमतौर पे हम एक रेकी सी कर लेते हैं घूमते फिरते ना। अब एक शॉप के पास आ गए हैं, बात करते हैं इनसे, समझते हैं। पुत्र कुल्लू, ये आपका शॉप है? या पेकाना फूड्स इंडिया लिमिटेड। अच्छा, आप दुनिया भर। अच्छा, आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है? मेरे पूरा आता है। अच्छा, पूरा हिंदी आता है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो हाँ, अच्छा आप साथ में ही है? हाँ, एक हमारा दोनों क्लासमेट है। सबसे पहले जो रेसिपी बनी वो पुत्र कुल्लू ओरिजिनल इधर ही है। अप्रोक्सीमेटली कितना साल पहले? 200 कुल्लू आज भी लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर बाहर बनाते तो वो टेस्ट नहीं आता जो आत्रेपुरम के पुत्र कुल्लू में। इधर ही है मेन। हाँ, मतलब वो बनाने में स्टाइल ओरिजिन स्टाइल होता है, कभी कभी एरिया टेम्परेचर होता है। वन मोर थिंग, अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, बेसिकली हमको गूगल मैप से मालूम चला कि ऑन वन साइड वी हैव वशिष्ठा, अदर साइड गौतमी। तो दोनों, हाँ दोनों गोदावरी की स्ट्रीम्स हैं। तो वशिष्ठा जाएगी अंतर्वेदी, गौतमी विल गो टू यानम। सो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिस प्लेस आत्रेपुरम? आत्रेपुरम 10,000 पॉपुलेशन, मंडल हेडक्वार्टर। सो आई एम जस्ट थिंकिंग 10,000 population, out of which 1,500 people are making putre kullu. Yes, yes. Major. Below poverty line. The upadhi, employment, for employment. Poor, yeah. Poor ladies. They earn minimum every day 1,000. Minimum. 1,000 people 1,000. Every day. And putre kullu from this place goes all around the world. The globe, across the globe. लवली, अब्रॉड, इंटरनेशनल आल्सो, फैंटास्टिक। चलो अच्छा, बातों में आप सब आगे एग्जाम। तो मुझे हम लोग ना एक शूट करना चाहते हैं, पुत्र कुल्लू बनता कैसा है। Can you come with us? Yeah, you चलेंगे। अपने सामने पुत्र कुल्लू बनते हुए हम भी देख रहे हैं और आप भी देखिए। इनके पास ना यहाँ पर राइस का थिन बैटर है। एक क्लॉथ लिया और उसमें 1 सेकंड के अंदर बैटर को ट्रांसफर कर दिया और ये घड़ा है मिट्टी का जिसको इन्होंने उल्टा रखा हुआ और ये जगह बनाई हुई है। इस समय हम देखिए डिंडी पहुंच चुके हैं। अभी हम बोटिंग करके आए हैं वापस, बड़ा मज़ा आया। हमारे साथ सुब्बा राव जी हैं। हाँ। तो आप यहाँ के लोकल हैं और अच्छी बात है आप हिंदी समझ भी लेते हो और बोल भी लेते हो। अभी मैंने 5 मिनट पहले इनसे थोड़ी सी बातें करी हैं। कोई टूरिस्ट अगर 2 दिन के लिए डिंडी आता है, हाँ, एक तो ऑब्वियसली वो अपना रिजॉर्ट का स्टे इन्जॉय करे, इसके अलावा टूरिस्ट क्या क्या कर सकते हैं? टेम्पल्स है सर, मेन टेम्पल्स रहता है सर, अंतर्वेदी टेम्पल। अंतर्वेदी टेम्पल तो हम कल जाएंगे। हाँ, अपनपल्ली टेम्पल। अच्छा, आइना वैली टेम्पल एंड पालकोल्लू। ये कितनी डिस्टेंस पे टेम्पल्स हैं? 23 किलोमीटर्स 25 किलोमीटर्स सर। अच्छा, तो इस एरिया में पूरे टेम्पल्स हैं? हाँ, टोटल टेम्पल्स हैं सर। अच्छा, कुछ और बताइए इस एरिया के बारे में, जैसे जो आपको लगता है कि एज ए टूरिस्ट हमें नहीं पता होगा। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी चलो बताइए ना कुछ ऐसा। आई एम श्योर, देखो हर जगह का कुछ ना कुछ होती है बात। एक जगह है तो अच्छा रहता है सर, हाउस बोट है तो 24 आवर्स पैकेज रहता, 12 आवर्स पैकेज भी रहता है सर। हाँ, वो तो आपने वहाँ लिखा हुआ है तो हमें पता लग गया है। हाँ। अब ऐसा बताओ जो हमें नहीं पता होगा, ऑब्वियसली आप लोकल हो तो आपको पता होगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बताओ कि एग्रीकल्चर, फ्रांस एग्रीकल्चर मेन सर, इधर प्रॉन कल्टीवेट करते हैं। कहाँ पे करते हैं ये सब? बाहर फ्रांस का है सर, टोटल भी फ्रांस है कल्चर रहता। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे या कितनी यूनिट्स होंगे? यूनिट्स मतलब बहुत सारा लोग इधर कल्चर भी रहता है सर। 30-40 या ज़्यादा? ज़्यादा सर, 200-300 और ज़्यादा रहते, और ज़्यादा 1,000। हाँ। अच्छा, प्रॉन कल्टीवेशन का काफ़ी काम है यहाँ। हाँ सर।
तो उसका क्या रीजन है कि ये जो वाटर की सैलिनिटी है, सॉल्ट बोलते हैं ना, 10% साल्ट रहता सर इधर, वैसे इसको ना ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, जो समुद्र का पानी नदी के पानी से मिलता है। कोई फिश है यहाँ की फेमस? पंडुकप्पा फेमस है सर, अपोलो फिश बोलता है, इंग्लिश में अपोलो फिश बोलता है। नाम तेलुगु नाम क्या है? पंडुकप्पा। पंडुकप्पा, पंडुकप्पा। वैसे ना तेलुगु नेम उस टाइम तो सुनने में लगता है याद हो गया उनको, लेकिन 10 मिनट बाद भूल जाते हैं। और भी फेमस भी और एक फिश है सर, हाँ? वो पुलसा बोलते हैं सर। जो पुलसा फिश है, हाँ? जब उसका सीजन आता है रेन्स का, तो अगस्त में, तो बहुत लोग खाता है, मतलब अक्टूबर से। वेरी टेस्टी फिश। बहुत कॉस्ट है सर। कितना कॉस्ट होता है? 1 kg 10,000-15,000 भी रहता है सर। क्या बात कर रहे हो आप, 1 kg 10,000 रुपीज जाता है? ऐसा क्यों? कुछ तो खास होगा देखो, वरना 10,000 रुपीज बोले तो 1 kg का आदमी सुन के हैरान हो जाए। एक चीज़ मेरे मन में हो रहा है, न्यूज़ में हम सुनते हैं कि गोदावरी का वाटर लेवल राइज हो जाता है क्योंकि बरसात यहाँ पर होती है, कोस्टल एरिया है, बहुत बारिश होता है, तो यहाँ पर क्या सीन रहता है अगस्त सितंबर में? अगस्त सितंबर में बहुत पानी आता है सर। कितना? ऊपर बाहर पानी आ रहा है ना, हाँ। वो पानी छोड़ने के बाद इधर बाहर पानी आ जाता है। पहले 4 months के बैक यहाँ से 10 feet ऊपर आ गए सर। कहाँ से? यहाँ तक? हाँ, वहाँ से वहाँ तक। मतलब आपका काउंटर, जो काउंटर दिखा, आपका जो काउंटर है, हाँ, वहाँ तक आ गए सर। उसमें कितना? 3-4 feet तक पानी आता है, हाँ। तो सामने तो आपका APTDC का रिजॉर्ट है। रिसोर्ट भी गई डूब गए सर। मतलब रिसोर्ट का रिसेप्शन, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के रूम्स, टोटल रूम सर। और ये अभी ऐसा हुआ कि एवरी ईयर सर? क्या बात कर रहे हो, हर साल इतना पानी आता है कि आपका रिसोर्ट का रिसेप्शन सब पानी में? टोटल पानी में सर। तो क्या उससे पहले बुकिंग लेना बंद कर देते हो? पानी के आने के टाइम में मैसेज आता सर हमारे को, वो मैसेज आने के बाद बंद कर। और जो यहाँ का स्टाफ है वो क्या करता है? सब जन इधर ही रहते? नहीं, रहते कैसे हैं फिर? अच्छा, ऊपर शिफ्ट हो जाते होंगे फर्स्ट फ्लोर। ऊपर शिफ्ट होता है। वो कठिनाई की लेवल देखो कितनी ज़्यादा है इस जगह, क्योंकि समुद्र पास है और ये जगह सी से ऊपर नहीं है। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि डिंडी और सी का लेवल में फ़र्क नहीं है। ऐसा हमने काकीनाडा में भी देखा था, 2 meters अबव सी लेवल एवरेज एलिवेशन है। यहाँ पर भी ऐसा कुछ एलिवेशन कम है? कम नहीं है, सेम है सर, 8-2 भी रहता है सर इधर। सुबह राव जी, आपसे बात करते करते इतना टाइम निकल गया, पता भी नहीं चला। ओके सर, ठीक है, और आपने इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम इधर ही हैं, आपसे कैचअप कर लेंगे दोबारा। ठीक है, ये बोटिंग के टाइमिंग्स रहता है सुबह 9-6 है? 9-6, सही है। ओके जी, थैंक यू, वेलकम। कुछ देर पहले मुझे मालूम चला यहाँ पर पंडुकप्पा करके ना फिश फेमस है, जिसको अपोलो फिश बोलते हैं। फिर मैंने पूछा कहाँ जा सकते हैं, मुझे बोला वहाँ पर किसी ने कि आप एक काम करो, 8 kilometers दूर ना मलकीपुरम चले जाओ। तो गाड़ी थी हमारे पास, तो हम मलकीपुरम पहुँच चुके हैं। काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। अभी हम सामने अंबिका होटल है ना, यहाँ पे जाने वाले हैं। पहले मैं समझ रहा था पंडुकप्पा और अपोलो फिश सेम है, तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला नहीं, सेम नहीं है। तो अपोलो फिश अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है, ये पंडुकप्पा है जो इन्होंने ना थिक ग्रेवी में हमें दिया। फिश के अंदर ना एक बोन तो रहता है, लेकिन बीच में से इन्होंने ऐसा मेरे को बोला कि कट कर दिया, ऐसा पीसेस बना दिया। पंडुकप्पा फिश, वैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अगर आप जानते हो तो ज़रूर बताना। फिश को फ्राई किया और उसके बाद ग्रेवी में टॉस कर दिया। फ्रेश वाटर फिश है, सही है, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ यहाँ लोकल फिश हम टेस्ट कर रहे हैं ग्रेवी के अंदर, और मेरे को लग रहा था कि आंध्रा स्टाइल फूड के अंदर तीखा ज़्यादा रहेगा, लेकिन मुझे शायद इस वजह से नहीं लगता है क्योंकि मेरे को तीखा खाने का आदत है। मैं जैसे फिश कभी कभी खाता हूँ ना, मेरे जैसे लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही बड़ा कांटा रहता है, खाने में दिक्कत नहीं है। ओवरऑल फिश का टेस्ट और प्रिपरेशन मेरे को दोनों अच्छी लगी। बिरयानी को ऊपर तक लोड करके दिया। इसको बनाने का तरीका क्या है, राइस अलग से बनाते और चिकन पीस अलग से रेडी करते हैं, और सर्व करते समय ना दोनों को मिक्स करके सर्व कर देते हैं, ये सिस्टम है यहाँ पे। आज दोपहर में जब मैंने चिकन बिरयानी खाई थी ना, उसमें चिकन का डिफरेंट फ्लेवर था क्योंकि उसमें दम लगा हुआ था, और इसके फ्लेवर बहुत अलग है। हल्के स्पाइसेस लेकिन
फ्लेवर बहुत मस्त है। अच्छा डिनर हो गया आज हमारा यहाँ पर। अभी रेस्टोरेंट ना चलता ही है सर, इस वजह से लग रहा है कि अभी जैसे आज वीक डे है, फुल है रेस्टोरेंट। यहाँ सिस्टम क्या से क्यूबिकल से बने हुए हैं, तो अगर किसी का फैमिली है या फ्रेंड सर्कल है तो एक प्राइवेसी हो जाती है। गुड है, चलो मैं ये फिनिश करके आपको ज्वाइन करता हूँ। डिनर हमारा हो चुका है, यहाँ का फूड टेस्ट मैंने इंजॉय किया, अच्छी जगह है ये। इस समय हम अंतर्वेदी से लगभग 17 किलोमीटर दूर है, कल मॉर्निंग में अंतर्वेदी हम जाएंगे। गोदावरी नदी जिस जगह बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है ना, वो जगह कल हम मॉर्निंग में देखने वाले हैं। और कल का नाइट से हमारा विजयवाड़ा में रहेगा, परसों हम विजयवाड़ा घूमेंगे और उसके बाद बैक टू होम। मैं आपको वैसे एक पर्सनल बात बताता हूँ, मेरे लिए ना जैसे लॉन्ग टूर्स होते हैं ना 13 डेज 14 डेज, आगे चलकर मैं शॉर्ट टूर्स करना चाहता हूँ, 6 दिन 7 दिन के करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 3 4 5 दिन के बाद ना एक फटीक सा बिल्टअप स्टार्ट हो जाता है। रोज रात को 12 बज रहे हैं, कभी 1 बज रहा है सोते हुए, और सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। उस सुबह उठने के लिए मेरे को किसी भी तरह के मॉर्निंग अलार्म की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ है जो मेरे को आने वाले टाइम में एड्रेस करनी पड़ेगी। ज़्यादा लंबा डिले करने से मेरा नुकसान है कि यार 1 2 दिन चल जाता है, लेकिन रोज़ अगर रात के लेट हो तो खुद को भी इतना फिर लगता है कि टायर्ड सा महसूस होता है, स्पेशली सुबह उठो तो वो फ्रेशनेस नहीं होती। एनीवेज आज मैं कोशिश करूँगा 10:15 सो जाऊँ, क्योंकि अभी हमारे पास 2 घंटे का टाइम है, इस समय 8:15 का टाइम है, तो 20-25 मिनट में होटल पहुँच जाएंगे। और मैं भी कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ के अब डेटा कॉपी का काम कर लूँगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, आज का एपिसोड अब हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, आपसे अब जल्दी मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।